हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम जा रहे हैं सनेला माता के मंदिर। बहुत ही फेमस मंदिर है संधोल का और ये वन ऑफ द हाईएस्ट पीक भी है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं बोल में, जिसे आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो आगे का सफ़र हम सब मिलके साथ पूरा करते हैं। हेलो रितिक, हाय मेहा, थोड़ा पास आइए कैमरा के। मेरे दोस्त बोला तू अब फोन नंबर राइट। मेरे दोस्त तो पता नहीं ये रहा फोन जेब में। मेहा, सॉरी मेहा की नहीं है, रितिक की फोटोग्राफी। तो हम लोग बोल से होते हुए बजीर चौक पहुंच चुके हैं आप, और बजीर चौक के बाद अब यहाँ पे हम खुड्डी के आसपास पहुंच चुके हैं। ये देखिए मंदिर का पहला द्वार आ चुका है। जय माता दी। माता के इस द्वार को देखते ही हमारी बचपन की सारी यादें ताज़ा हो गई, कैसे हम बचपन में पिकनिक के लिए मंदिर को जाया करते थे। मंदिर की पहली सीढ़ी। जय माता दी। हम जाएंगे अपनी माता के मंदिर जो है बहुत ऊपर। ऋतिक हमें बुला रहा है। मेहा को ज्यादा स्क्रीन टाइम दो। मेहा जोर से बोलो। Keep watching. चलो ओ बुलावा आया है, माता ने लाया है। बोलो जय माता दी, जय माता दी। मैं नहीं सुने, जोर से बोलो। जय माता दी, सारे बोलो। जय माता दी, मन से बोलो। चलिए दोस्तों, तो थोड़ा कुछ हम मंदिर के बारे में भी जान लेते हैं। तो इस जगह का नाम सनेला है जहाँ पे ये मंदिर स्थित है। तो बेसिकली ये मनसा माता का मंदिर है। बहुत ही सुंदर और प्यारा संधोल। आप उस पहाड़ी पे है उधर। और ये तो हम लोगों ने अभी मंदिर की आधी चढ़ाई पूरी कर ली है। ये जो दो बड़ी बड़ी शिलाएं हैं, ये एक तरह से मंदिर का माइलस्टोन है। यहाँ से जो लोग मंदिर कभी आए होंगे उन्हें अंदाज़ा हो चुका होगा कि हम मंदिर के कितने पास पहुँच चुके हैं। और ये आप संधोल का अभी एरियल व्यू देख रहे हैं। ये जो नदी आपको दिख रही है ये ब्यास रिवर ही है, जो आप हमारे बाकी व्लॉग्स में देख चुके होंगे। तो अब दोस्तों आप देख रहे हैं मंदिर से दूसरी साइड का व्यू। ये एक तरह से बहुत ही घना जंगल है, यहाँ पे बहुत सारे मोरों का वास है। अगर आप लकी रहे तो आपको मोरपंख भी ज़रूर मिलेगा यहाँ पर। तो हम माता के मंदिर के मेन गेट पहुँच चुके हैं। कोई नहीं, आप। और ये देखिए दीदी पानी पीती हुई। हाय, हाँ इधर। चलिए दोस्तों, तो मंदिर के बारे में थोड़ा कुछ और जानते हैं। यह मंदिर यहाँ पे कब से स्थित है, वैसे तो इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है, लेकिन इस मंदिर का पुनर्निर्माण 1995 में आचार्य श्री ओंकार चंद जी ने शुरू करवाया था। और मंदिर के निर्माण के लिए ठाकुर दयाल सिंह जी ने भूमि दान में दी थी। और इसी प्रकार संधोल के अलग अलग गाँव के अलग अलग लोगों ने मंदिर के लिए बहुत सारे दान दिए हैं और भंडारे भी लगवाए हैं पिछले 20-25 सालों से, जब से इस मंदिर का निर्माण हुआ है। और हम अपनी इस वीडियो के जरिए उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहते हैं। अब हम माता के मंदिर के अंदर जा रहे हैं। अकेले अकेले नहीं जाओ, मैं आपको दर्शन करवाती हूँ। चलिए। ये मुझे मंदिर के बारे में कुछ मालूम नहीं है, पर मैं छोटी थी तब से आती हूँ। तब बहुत रोती थी, मम्मी जबरदस्ती लेके आती थी। अब रास्ता बंद है, गेट खोलना पड़ेगा। गेट थोड़ा सा ये ना एक्चुअली भीड़ को मेंटेन करने का रास्ता हमारा इंडियन तरीका है। हाँ जी, क्योंकि लोग सुनते नहीं है। और पहले यहाँ पे भंडारा लगता था तो सब बहुत भीड़, बहुत बहुत दूर दूर से बहुत सारे लोग आते थे, तो ये इधर लाइनों में खड़े होते थे। एक बार मेरे को पता है हम 1 घंटा इस जंगले के अंदर फंसे हुए थे इस रास्ते। होती है पे लाइन ब्रेकर लगाना पड़ा। हाँ। सकलानी, खेती देवी, देवती देवी। मंदिर में आते ही सबकी भक्ति जाग गई और हम लोगों ने कुछ भजन गाए। क्योंकि हम घर से पैदल चल के आए थे तो सबकी एनर्जी थोड़ी लो ही थी। माता रानी हमें उसके लिए माफ़ करें। तो थोड़ी देर भजन गाने के बाद फिर हम सभी लोगों ने धागे बंधवाए। चलिए दोस्तों, तो अब हम सब मिलके मंदिर के अंदर के दर्शन भी कर ही लेते हैं। दोस्तों, तो सब लोग अपनी अपनी विश मांग लो अब माता रानी से, और मैं भी यही दुआ करूँगी कि माता रानी सबकी विशेस पूरी करें। और ये आप देख सकते हैं लिस्ट जिन लोगों ने माता के निर्माण में दान दिए थे, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने गुप्त दान दिए हैं। अब आप एंजॉय कीजिए हमारे कुछ सिनेमैटिक शॉट्स। चलिए तो दोस्तों, अब हम आपको मंदिर के पीछे ले चलते हैं। मंदिर के आगे से ये रास्ता जाता है नीचे की तरफ, जहाँ पे इस तरह से बहुत ही बड़ा हॉल एरिया है। जब मंदिर में भंडारे होते हैं तो बेसमेंट के इसी हॉल में खाना खिलाया जाता है, और ऊपर जो वरांडा है वहाँ पर भी। और ये किचन होता है, अभी एज अ स्टोर रूम यूज़ किया जा रहा है इसे। और ये रही बेसमेंट से ऊपर जाने की सीढ़ियाँ। जिन लोगों ने डोनेशन दी थी जब मंदिर बना था, उन सभी के नाम हैं। अभी मंदिर के चारों ओर इस तरह से ग्रिल्स लगी हुई हैं, और ये वो वाला रास्ता है गोला से। अगर मंदिर की तरफ आना हो तो इस रास्ते के ज़रिए आ सकते हैं, और इस रास्ते हम मंदिर के वापस स्टार्टिंग द्वार पे पहुंच जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, मंदिर की कमेटी ने 2 बेंच लगवाए हुए हैं उस सामने वाले पहाड़ पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 रास्ते हैं, एक शायद द्वार जाता है और ये दूसरा गोला जाता है। तो हम गोला के रास्ते जाके सड़क से पीछे जाएंगे। ये वॉशरूम बना हुआ है, मंदिर का वॉशरूम है। और अब हम दूसरी गेट की तरफ जा रहे हैं। इस मंदिर के लिए चारों तरफ से बहुत सारे रास्ते हैं, अलग अलग रास्तों से आप आ सकते हैं। इस रास्ते से भी आ सकते हैं। मंदिर के बारे में एक बहुत ज़रूरी बात तो मैं आपको बताना भूल ही गई। कुछ साल पहले मंदिर के त्रिकोण पे बिजली गिरने की वजह से मंदिर का त्रिकोण टूट गया था और उसकी छत भी गिर गई थी। तो इसी वजह से मंदिर की छत का पुनर्निर्माण किया गया है कुछ साल पहले ही। और साथ में मंदिर के साइड में एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था वो भी उसी लाइटनिंग की वजह से सूख कर गिर गया था। अब हम घर वापस आ रहे हैं। हमें बहुत ही मज़ा आया है इस वीडियो को बनाने में और आप सबको सनेले माता के दर्शन करवाने में भी। डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपने सनेले माता से क्या विश मांगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। डोंट मिस टू हिट द सब्सक्राइब बटन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।